मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जो पांच सूत्री फॉर्मूला निकलकर सामने आया है भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद, सवाल यह है कि इस पर चीन क्या अमल करेगा? देखिए समीर, लगभग अगर आप कहें कि पौने तीन घंटे तक दोनों विदेश मंत्रियों के बातचीत के बाद, इसकी उम्मीद तो कोई नहीं कर रहा था कि अचानक रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, हम चलकर उस तिराहे पर जरूर पहुंच गए हैं जहां से एक रास्ता शांति की तरफ बढ़ता है और एक रास्ता युद्ध की तरफ बढ़ता है। चीन की तरफ से जो परिवर्तन हुआ है वो यही हुआ है कि अब तक जहां चीन की तरफ से लगातार केवल यही कहा जाता था कि नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की है, वहां अब चीन ने इस बात को माना कि हम दोनों देशों को आगे बढ़ना है तो सीमा पर तनाव कम करना होगा। जब जयशंकर ने यह कहा कि आप बताएं कि आप सीमा पर क्यों अपने सैनिक को लेकर आए हैं, तो बजाय बहस करने के वो चुप्पी साध गए। अब यहां से एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे दिखती है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद अब इसका असर जमीन पर कितना होगा, बिल्कुल इससे ही तय होगा कि हम दोनों कितने आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जहां ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया दोनों देशों ने, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों की तरफ से एक अलग अलग बयान जारी किए गए जिसमें उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है। और चीनी साइड का पक्ष यह है कि भारत की तरफ से गोलीबारी हुई, भारत ने ट्रेसपास किया। तो मुझे इसीलिए लगता है कि हम एक तरफ मामला को सुलझाने की बात कर रहे हैं दोनों देश। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मनीष, बिल्कुल सही बात है। और यही अगर रुख जारी रहा चीन की तरफ से, तो आने वाले वक्त में जो मतभेद हैं वो विवाद में क्यों नहीं बदलेंगे, आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।